दिल्ली सरकार की पाबंदी के बाद भी दिवाली के दिन दिल्ली में जमकर आतिशबाजी की गई। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, दिवाली के दिन दिल्ली में आतिशबाजी से आसमान का नज़ारा रंगीन हो गया। खूब पटाखे छोड़े गए, जिसकी तस्वीरें अब भी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। ऐसी ही आतिशबाजी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर फैलाई जा रही है, जिसे दिल्ली का बताया जा रहा है। अब जबकि पॉल्यूशन को देखते हुए इस बार दिल्ली सरकार ने पटाखों पर सख्ती दिखाने का फैसला लिया, पटाखे छुड़ाने और इनकी बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई गई, तो इस वीडियो के जरिए यूजर्स केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। लेकिन क्या है इस वीडियो की असल सच्चाई, वो हम आपको बताते हैं। इस वीडियो की जब हमने पड़ताल करना शुरू किया, तो इस दौरान हमें एक और यूज़र की तरफ से शेयर किया गया ये वीडियो मिला, जो 24 अक्टूबर की रात 10:22 पर शेयर किया गया था। अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए जब हमने इस यूज़र के प्रोफाइल को खंगाला, तो हमें हूबहू यही वीडियो फिर मिला, जिसे इसी साल 3 जनवरी को 1:56 पर शेयर किया गया था। हालांकि तब जो वीडियो शेयर किया गया, तो उसमें इटली के नेपोली शहर का जिक्र किया गया है। साथ ही ये भी जानकारी दी गई थी कि क्रैकर बैन होने के बावजूद न्यू ईयर से पहले की शाम इटली में किस तरह आतिशबाजी की गई। इन दोनों वीडियो से ये तो साफ हो गया कि इस वीडियो का दिल्ली में हुई आतिशबाजी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब हमने अपनी इस पड़ताल को थोड़ा और आगे बढ़ाया, तो हमें जनवरी के पहले हफ्ते में शेयर किए गए सोशल मीडिया पर अलग अलग लिंक मिले, जिसे जनवरी में ही ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर शेयर किया गया था। इसके अलावा हमें कई और वीडियो लिंक के साथ तस्वीरें मिली, जो बाकायदा न्यूज़ रिपोर्ट के साथ दी गई हैं। तो कुल मिलाकर हमारी इस पड़ताल में ये साफ है कि सोशल मीडिया पर दिल्ली में हुई आतिशबाजी का वीडियो बताकर शेयर किए जाने वाला वीडियो दिल्ली में 2022 की दिवाली से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये वीडियो इटली से जुड़ा हुआ है, जिसे भ्रामक दावों के साथ वायरल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।